नमस्कार, इंडियन न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। आज की इस पाठशाला में हम पाकिस्तान की क्लास लेंगे। वो सुना है आपने ना कि लातों के भूत जो हैं वो बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आने वाला है। चैंपियनशिप ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, लेकिन भारत ने जब से इनकार किया है पाकिस्तान बड़ा उछल रहा है, कूद रहा है। और देखिए कि कितनी गंदी हरकत पे उतर आया है पाकिस्तान की। अब जो ट्रॉफी आईसीसी की तरफ से भेजी गई है उसका ट्रिप होना है पूरे देश में, लेकिन पाकिस्तान की हरकत तो देखिए आपकी, उसने यहाँ भी भारत को परेशान करने के लिए, भारतीयों को उकसाने के लिए एक ऐसा कारनामा कर दिया। मुझे लगता है कि आप भी जाकर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को ट्रोल करना शुरू कर देंगे। दरअसल 14 नवंबर को ट्रॉफी इस्लामाबाद पहुंची थी, यानी 14 तारीख को, कल। और 16 से, देखो मैं बताता हूँ, 16 से 24 नवंबर तक पूरे देश में, यानी पूरे पाकिस्तान में जो है वो ट्रॉफी को ले जाया जाना था, यानी अलग अलग शहरों में। तो पाकिस्तान की हरकत तो देखिए, पाकिस्तान क्या करता है। पाकिस्तान पीसीवी ट्वीट करता है एक, और उसमें लिखता क्या है कि पाकिस्तान तैयार हो जाओ पाकिस्तान। अब इसका क्या मतलब है, इसके नीचे शहरों के नाम हैं, स्कार्दू, मर्री, हुंजा और मुजफ्फराबाद। ये चार शहर के नाम जो है वो सोशल मीडिया पर डालते हैं, और तैयार हो जाओ पाकिस्तान। अब यहाँ देखिए आप कि क्रिकेट में किस तरह से पाकिस्तान जो है वो राजनीति को घुसा रहा है, किस कदर जो है पाकिस्तान नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। यानी ये जो चार मैंने आपको शहर बताए, जगह बताई, स्कार्दू, मर्री, हुंजा और मुजफ्फराबाद, ये अगर आप मर्री को छोड़ दें तो हुंजा, स्कार्दू और मुजफ्फराबाद ये पीओके का हिस्सा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसका हिस्सा है। यानी भारतीयों को उकसाने का काम जो है वो पाकिस्तान और पीसीवी कर रहा है। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वहाँ चैंपियनशिप ट्रॉफी हो, जिसका जिस तरह से ये हरकत हुई है। अगर भारत ने सुरक्षा कारणों से मना कर दिया खेलने से, तो क्या आप ऐसी हरकत करेंगे? अब देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि बीसीसीआई की तरफ से बीसीसीआई ने क्या किया। जब बीसीसीआई को पता चला कि पाकिस्तान ये कर रहा है, तो कड़ी फटकार लगाई है पीसीबी को। जय शाह ने कड़ी निंदा की इसकी, और जय शाह ने विरोध जता दिया, आईसीसी को ये मुद्दा जो है आईसीसी के सामने रखा, और बयान में कहा गया है कि खेलों में राजनीतिक हस्तक्षेप जो है वो चिंतित करने वाला है। इस पर उचित कार्रवाई की मांग की गई है पाकिस्तान के खिलाफ, पीसीबी के खिलाफ। ये बीसीसीआई का स्टैंड है, यानी जय शाह सीधे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और अब हुआ क्या, इसका असर क्या हुआ, आईसीसी ने पाकिस्तान में इस ट्रॉफी का जो टूर होना था, ट्रिप होना था, उसी पर रोक लगा दी है। इन पाकिस्तान को शर्म नहीं है, पाकिस्तान पर कार्रवाई भी होगी। अगर भारतीय टीम जो है वहाँ नहीं जाना चाह रही है, सुरक्षा, भैया आपका देश सुरक्षित ही नहीं है, क्यों जाएं खेलने के लिए। श्रीलंका की टीम गई थी एक बार, क्या हुआ था उसके साथ। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं, आए दिन वहाँ पर ब्लास्ट होते रहते हैं और बात बड़ी बड़ी करते हैं। आपको याद होगा कि जावेद मियांदाद, वो बहुत उछलते हैं, बातें करते हैं, मैं महान क्रिकेटर कहते हैं, बंदर की तरह उछलते हैं वो पिच पर। अब देखिए, वो अलग अलग धमकी देते हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि भी बैट से छक्का लगा लिया है, तलवार शख्स के हाथ में थी, तो एक शख्स ने कह दिया कि भाई बैट भी तेज़ था, तलवार भी तेज़ है। तो उसने बोल दिया, हाँ जब छक्का लगा सकते हैं बैट से तो काट भी सकते हैं, किसके लिए था, भारतीयों के लिए था। आप खुली धमकी दे रहे हैं, एक तरफ पीसीबी कह रहा है कि आप खेलने के लिए पाकिस्तान आ जाओ, दूसरी तरफ आप जिसको महान क्रिकेटर कहते हैं वो कह रहा है कि भाई काट दूंगा मैं। तो गजब स्थिति है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान इस लायक है नहीं कि वहाँ चैंपियनशिप ट्रॉफी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं,
भारत ने इनकार कर दिया था। आईसीसी ने 11 नवंबर को, जो बीत गए 11 तारीख, एक कार्यक्रम रखा था जिसमें ये आधिकारिक घोषणा होनी थी कि ये कार्यक्रम कब कब होना है, कितनी तारीख को कहाँ मैच होने हैं, लेकिन उसको रद्द कर दिया जब भारत ने मना कर दिया कि आपके यहाँ पे हम टीम नहीं भेजने वाले हैं क्योंकि आपके यहाँ पे टीम सेफ नहीं है, सुरक्षा नहीं है, आए दिन ब्लास्ट होते रहते हैं, आए दिन गोलियाँ चलती रहती हैं। पीसीबी ने क्या किया, बीसीसीआई को लेटर लिखा, जवाब मांग रही है बीसीसीआई से कि आप क्यों नहीं आ रहे, कारण बताइए। अब वो होते कौन है पूछने वाले, जब आपको पता है कि आपके यहाँ पे दुनिया भर का आतंक फैला हुआ है, फिर भी आप सवाल कर रहे हैं। हाइब्रिड मॉडल स्वीकार नहीं है, ये पाकिस्तान ने साफ कर दिया है। अगर आईसीसी कहता है कि भैया आपके मैच जो हैं पाकिस्तान में ना होकर श्रीलंका यूएई में होने हैं, तो पाकिस्तान तैयार नहीं है। हालांकि वो गीदड़ भभकी दे रहा है, पीसीबी को हर हाल में खेलना पड़ेगा, कंगाल पहले हो चुका है। और देखिए, साउथ अफ्रीका में भी शिफ्टिंग की खबरें जो हैं अलग अलग जगह से चल रही हैं, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर चैंपियनशिप ट्रॉफी अगर शिफ्ट हो गई तो पाकिस्तान ने पहले कह दिया कि भैया हम बहिष्कार करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे, हम नहीं खेलने वाले हैं ट्रॉफी। अब ये भी धमकी दी है, लेकिन पाकिस्तान की औकात है क्या? नहीं, पाकिस्तान को मैच खेलना पड़ेगा, नहीं तो कंगाल पाकिस्तान जो है और कंगाल हो जाएगा, मजबूरी है पाकिस्तान की। तो यानी दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो जानबूझकर हरकत कर रहा है कि पीओके में आप ट्रॉफी जो है वो भेजना चाहते हैं, आपके बाकी शहर हैं, आप बाकी शहर में घूमिए ट्रॉफी लेकर। लेकिन हुआ क्या सर, आप चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे थे, आईसीसी ने सीधी रोक लगा दी। आप बीसीसीआई से टक्कर नहीं ले सकते, पीसीबी छोटा सा है, उसकी आमदनी 450 करोड़ की है, बीसीसीआई की प्रॉपर्टी जो माफ़ कीजिएगा, पीसीबी की जो प्रॉपर्टी है टोटल, जो उसका खजाना है वो 450 करोड़ के आसपास का है, और बीसीसीआई 18,700 करोड़, मतलब कहीं भी नहीं टिकते आप लोग, फिर भी हरकतें वही करते हैं। अपनी टीम की जीत और हार पर जो बोर्ड डिपेंड करता हो, क्योंकि उसकी रोजी रोटी वहीं से चलती है, अगर आप जीत गए तो थोड़ा पैसा आपके पास आ जाएगा, बाकी आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं आमदनी के साधन, और वो भी टीम आजकल कुछ अच्छा नहीं कर रही है, टीम के भी बड़े बुरे दिन चल रहे हैं, और भारत के खिलाफ तो सबने देख ही लिया। तो यानी पाकिस्तान बाज आ नहीं रहा, आ जाना चाहिए, नहीं तो क्रिकेट में और ज़्यादा नुकसान जो है भुगतना पड़ेगा। और जो पाकिस्तान के महान क्रिकेटर जो इस तरह के बयान देते हैं कि हम काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भाड़ में जाओ, ये जावेद मियां दाद बोल चुके हैं कि भाड़ में जाए हिंदुस्तान अगर नहीं आएगा, हम कौन सा लूट रहे हैं, तो इस तरह के बयान देकर पाकिस्तान खुद फंस रहा है। अब ये डिसीजन जो राजनीति घुसा दी ना उसके अंदर, कि भारत को थोड़ा सा उकसाते हैं, पीओके में ट्रॉफी भेज देते हैं, लेकिन उसी रास्ते से आईसीसी और बीसीसीआई ने वापस कर दिया। अब जाओ आप घुमाओ पीओके में ट्रॉफी। तो ये पाकिस्तान को दोस्तों औकात समझ आनी चाहिए, और आईसीसी और बीसीसीआई ने समझा भी दिया। अब अगर पीछे हटता है चैंपियनशिप ट्रॉफी खेलने से तो फिर उसका नुकसान है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।